हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वंदे मातरम और हम वंदे मातरम को कई छोटे छोटे भागों में सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। और भी दोस्तों, आप जो देशभक्ति सॉन्ग हैं आप उनको भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक दी हुई है, तो आप वो वहाँ जाकर भी सीख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देशभक्ति सॉन्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें भी जाकर और भी बहुत सारे देशभक्ति सॉन्ग हैं उनको भी जाकर सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, और देर ना लगाते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइन आई है वंदे मातरम। तो दोस्तों, वंदे मातरम इसमें दो बार आया है, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो एक बार थोड़ा नीचे आया है वंदे मातरम, एक बार आया है ऊंचा। तो दोनों बार का वंदे मातरम आप सीखिए। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला जो वंदे मातरम है उसको सीखिए। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए, और देखिए एक बार ध्यान से देखिए, वो बहुत आराम से। ठीक है, देखिए ये चार की है, एक दो तीन चार, केवल इतने में वंदे मातरम बजा हुआ है। देखिए, ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा जो पहला वाला जो वंदे मातरम है ये यहाँ पर क्लियर होता है। अब आगे फिर से आएगा ये एक बार वंदे मातरम, तो जो दूसरा वाला जो वंदे मातरम है अब हम उसको बजाना सीखते हैं। देखिए कैसे। देखिए एक बार और, थोड़ा सा स्लो करके देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, देखिए एक बार और, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके जो दोनों बार के जो वंदे मातरम में जो स्टार्टिंग में जो लाइन आती है वंदे मातरम जो दो बार आई है वो यहाँ पर क्लियर होती है। मैं आपको एक बार कंप्लीट जो वंदे मातरम है पहला वाला दूसरा वाला मैं दोनों को आपको एक साथ बजा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और देखिए, ये दोस्तों आपकी जो पहली लाइन है वंदे मातरम ये कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे लाइन आती है सुजलाम सुफलाम। तो इसको देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सुजलाम। तो देखिए, देखिए एक बार और देखिए आराम से, ये हमारा सुजलाम है। तो एक बार और देखिए इसको सुजलाम। ठीक है, अब देखते हैं सुफलाम। एक बार और देखिए सुफलाम को। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन को हम एक बार कंप्लीट देख लेते हैं, सुजलाम सुफलाम। तो देखिए, ठीक है दोस्तों,
अब आगे लाइन आती है मलयज शीतलम। तो सबसे पहले हम मलयज शीतलम को भी दो भागों में सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं मलयज, ठीक है। तो इतना सीखिए पहले मलयज, देखिए मलयज केवल इतना बजा रहे हैं, देखिए आराम से, और देखिए आराम से, ठीक है। अब आगे सीखते हैं शीतलम, देखिए एक बार शीतलम। तो मलयज शीतलम को कंप्लीट देखिए एक बार। अब ठीक है दोस्तों, अब आगे लाइन आती है सस्य श्यामलम मातरम। तो सबसे पहले इसमें से सस्य श्यामलम मातरम में से सबसे पहले सीखते हैं सस्य श्यामलम। तो देखिए सस्य श्यामलम दोस्तों आपका जो है, जो स्टार्टिंग में हमने जो बजाया था वंदे मातरम, सेम वैसा ही, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बजा हुआ है। तो देखिए सस्य श्यामलम, सस्य श्यामलम, और देखिए आराम से, ठीक है। फिर आगे लाइन आती है मातरम। तो मातरम देखिए कुछ ऐसा बजा हुआ है, एक बार और देखिए मातरम, ठीक है। तो अब देखिए इसको कंप्लीट सीखते हैं एक बार आराम से, सस्य श्यामलम मातरम। इसको एक बार और देख लीजिए आराम से ताकि और समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे फिर से आएगा लास्ट में एक बार वंदे मातरम। तो उसको भी देखिए एक बार, जो पहले जो स्टार्टिंग में हमने जो वंदे मातरम जो सेकंड वाला बजाया था, तो वैसा का वैसे बजेगा वंदे मातरम। एक बार देखिए, तो दोस्तों हमारा यहाँ तक का जो पाठ है, या यूं कहें कि स्थाई, हमारा कंप्लीट होता होता है। तो दोस्तों अब शुरू होता है हमारा जो अंतरा। तो अंतरे में सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो सबसे पहले हम इसमें से इसको भी छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शुभ्र। तो शुभ्र को देखिए, शुभ्र में बजेगा क्या, ठीक है, शुभ्र ज्योत्सना। अब शुभ्र ज्योत्सना को एक साथ देखिए, शुभ्र ज्योत्सना, ठीक है। आगे है पुलकित, तो पुलकित को सीखिए, ये पुलकित है हमारा, देखिए एक बार और, ठीक है। उसके बाद आता है यामिनी, तो यामिनी के लिए, तो एक बार देखिए, फिर से देखिए, शुभ्र के लिए ये दोनों नोट हैं, ठीक है। फिर ज्योत्सना के लिए पुलकित, फिर यामिनी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अंतरी की जो पहली लाइन है वो कंप्लीट होती है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो पूरी लाइन जो कंप्लीट है वो है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो एक बार इसको और देख लीजिए, शुभ्र के लिए, ज्योत्सना के लिए, ठीक है, पुलकित, देखिए एक बार पुलकित, यामिनी,
ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये पहली लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे लाइन आती है दोस्तों, फुल्ल कुसुमिता धुरमिदल सोविनी। तो इसको भी दोस्तों हम चार भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले फुल्ला, फिर कुसुमिता, फिर ध्रुमदल और फिर सोविनी। तो देखिए फुल्ला के लिए क्या बजाना है आपको, ये वाला जो ये जो नोट है इसको बजाना दो बार फुल्ला, फिर देखिए एक बार और देखिए आराम से फुल्ला, फिर कुसुमिता, कुसुमिता को देखिए एक बार, ठीक है। आगे आता है ध्रुमदल, तो ध्रुमदल के लिए दोस्तों आपको देखिए ध्रुमदल, ठीक है। आगे आता है सोभिनी, तो सोभिनी के लिए ये वाले नोट हैं, देखिए एक बार, ठीक है। तो एक बार इसको कंप्लीट में बजाकर दिखा देता हूँ, फुल्ल कुसुमिता ध्रुमदल सोभिनी। तो देखिए एक बार, ठीक है दोस्तों। तो अंतरे की जो सेकंड लाइन है वो भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है दोस्तों। आपकी अंतरे की दो लाइन कंप्लीट हो गई हैं। तीसरी लाइन जो आती है, तो तीसरी लाइन में आती है सुहासिनी समुद्र भाषिनी। तो दोस्तों इसको हम तीन छोटे स्टेपों में सीखेंगे। तो तीन स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है सुभाषिनी। तो सुभाषिनी को एक बार देखिए, इसको थोड़ा सा और स्लो करके देखिए, एक बार देखिए, ठीक है। फिर आता है सुमधुर, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए सुमधुर को सीखेंगे, देखिए, फिर भाषिनी, एक बार और देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर हमारी जो तीसरी लाइन है वो कंप्लीट होती है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, सुभाषिनी को एक बार और देखिए, ठीक है, सुमधुर, ठीक है सुमधुर, फिर भाषिनी, एक बार और देखिए। तो ये यहाँ पर हमारी तीसरी जो लाइन है अंतरे की वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आगे जो लाइन आती है वो आती है सुखदाम वरदाम मातरम। तो देखिए, तो इसको थोड़ा सा आराम से देखिए। सबसे पहले देखते हैं सुखदाम, ये यहाँ पर आपका जो सुखदाम कंप्लीट होता है। एक बार देखिए सुखदाम के लिए ही नोट हैं, एफ शार्प, जी शार्प और सी। तो देखिए एक बार और देखिए सुखदाम, ठीक है। फिर वरदाम, इसी की को तीन बार प्रेस करना है, तो ठीक है वरदाम। अब जो आगे शब्द आता है वो आता है मातरम। तो देखिए मातरम को एक और देखिए, ठीक है वरदाम, एक बार और देख लीजिए और आराम से बता देता हूँ। सुखदाम के लिए, ठीक है, आगे लाइन आगे है वरदाम। तो वरदाम के लिए इसी को तीन बार करना है प्रेस, ठीक है। फिर मातरम, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हमने जो स्टार्टिंग में जो वंदे मातरम बजाया था,
तो सेम उसी प्रकार से हम वंदे मातरम बजा देंगे एक बार, तो वो स्टार्टिंग में मैंने सिखाया है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, एक बार और देखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो स्थाई और अंतरा जो दोनों हैं, यानी कंप्लीट वंदे मातरम यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।